सो हेलो गाइस, आज है 15 तारीख और आज से फ्री फायर के एडवांस सर्वर का एपीके डाउनलोड होना चालू हो गया है। और आप भी फ्री फायर का एडवांस सर्वर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम फ्री फायर के एडवांस सर्वर OB47 को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी VPN डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टर्बो VPN। आप कोई भी VPN डाउनलोड कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे VPN अवेलेबल है तो मैं इन सबको यूज करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं इसे यूज कर रहा हूँ और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। तो अभी हम अपना VPN कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा VPN कनेक्ट हो गया है। जैसे VPN कनेक्ट होगा तो आपके मोबाइल के नेटवर्क के बगल में VPN लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इसे यहाँ से डायरेक्ट कट करेंगे और अब अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड क्रोम ब्राउजर के सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना है फ्री फायर एडवांस सर्वर। जैसे आप फ्री फायर एडवांस सर्वर लिखोगे तो आपको यहाँ पर फ्री फायर एडवांस सर्वर का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा गरीना e-sport करके। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और वेबसाइट ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा और लॉगिन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, या तो आपका वो जीमेल आईडी न्यू जीमेल आईडी होना चाहिए या फिर वो दूसरे सर्वर का जीमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा जीमेल आईडी नहीं है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे कैसे किसी दूसरे सर्वर में ईमेल आईडी बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपने न्यू जीमेल आईडी यानी कि दूसरे सर्वर के जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लॉगिन गूगल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम वही वाला जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जीमेल आईडी लॉगिन होगा एंड लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें एडवांस सर्वर का कोड देखने को मिल जाएगा। इस कोड को सिंपली कॉपी कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी किया हुआ कोड नोटपैड में सेव करके रख लेंगे और आज 2 बजे के बाद डाउनलोड एपीके का जो बटन दिख रहा है ये एक्टिव हो जाएगा एंड तब आप यहाँ से एपीके डाउनलोड कर पाओगे। अगर फ्री फायर की तरफ से कोई डिले होता है तो ये बटन आपको 4 बजे तक एक्टिव दिखेगा एंड उसके बाद यहाँ से आप फ्री फायर का एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में एंड उसके बाद उसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही गेम ओपन होगा तो वहाँ पर आपको कोड टाइप करने के लिए बोलेगा, तो यही कोड अपने नोटपैड से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना, आपका एडवांस सर्वर का फ्री फायर ओपन हो जाएगा। और जैसे ही बटन एक्टिव होगा एपीके डाउनलोड होने के लिए, वैसे मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो इस चीज के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और अगर आप दूसरे सर्वर में अपना जीमेल अकाउंट चेंज करना चाहते हो तो आप इस राइट वाले वीडियो को देखो।